मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर, जहानाबाद फ्रॉम सिर्जन क्लासेस। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कल हम आपको ऑब्जेक्टिव लिखा दिए थे, आज इसका हम एक्सप्लेन पढ़ाएंगे। चार नंबर का एक्सप्लेन आता है, चार नंबर का। कल सभी विद्यार्थीगण, टेलीग्राम पर आपका होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस सेट डाला हुआ कल मिलेगा, है ना। वो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा, बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसको सभी को सॉल्व करना है ना। तो कल टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर आप जाकर और होमवर्क आप लोग देख लीजिएगा, उसको बनाइएगा और उसको दो दिन के बाद उसका हम आंसर शीट भेजेंगे। और ईमानदारी से बनाइएगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाया हुआ भी है, मैंने दो आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ाएँ, उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, उसको एकदम सोल्व करना है ना। हर हाल में उसको बनाइए प्रैक्टिस सेट को, उसके बाद दो दिन के बाद आपको उसका आंसर शीट दे देंगे। उसके फिर अगले दिन टाइम एंड टेंस और प्रीपोजिशन और ट्रांसलेशन कुछ दे देंगे, तीनों चीज़ से मिलाकर होमवर्क दे देंगे, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो आज हम लोग एक्सप्लेन पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, है ना। और एक्सप्लेन आता है 4 मार्क्स का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का गीत या मेरा अपना गीत, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। एक्सप्लेन, व्याख्या करें, इसको एक्सप्लेनिंग भी हम लोग बोलते हैं। 4 मार्क्स, 4 नंबर का आएगा, ये आपको हम स्वीटेस्ट लव में भी पढ़ाए थे एक्सप्लेन। तो पंक्ति दिया हुआ रहेगा और पंक्ति का अर्थ लिखने के लिए रहेगा, इसके बारे में हम आपको बतलाए भी हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पिछले चैप्टर में। जिस तरह से हम लोग हिंदी में, है ना, दोहा लिखा रहता है उसको भावार्थ लिखते हैं, संस्कृत में दोहा लिखा रहता है उसका हम लोग संस्कृत में भावार्थ लिखते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में 2 या 3 या 1 पंक्ति दिया हुआ रहेगा, है ना, किसी भी पोएम से, और वो पंक्ति का क्या अर्थ हुआ उसका अर्थ लिखने के लिए रहेगा, 4 नंबर के पूछेगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ, पहला देखिए, फॉर एवरी एटम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, एज गुड बिलोंग्स टू यू। अब ये पंक्ति को एक्सप्लेन करना है, तो किताब ज़रूर रखिएगा बाबू, क्योंकि किताब से ही आपको मालूम चलेगा, है ना, कि वो पंक्ति कौन से कविता का है, है ना। इसलिए जब भी हम आपको बुक पढ़ाते हैं तो जिस तरह से हम लाइन लाइन हिंदी करके बोलते हैं, उसी तरह से कम गौर से आप लोग पंक्ति को ज़रूर देखिएगा, है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम तभी दूर होगा एक्सप्लेन वाला, जब आप लोग को याद रहेगा कि ये पंक्ति कौन से कविता से लिया गया। और ये तब याद होगा जब आप गौर से, है ना, चैप्टर को लाइन बाय लाइन वो पंक्ति को पढ़ें, इसलिए बुक जरूर रखिए। अब देखिए यहाँ, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कभी कहते थे कि जो अंग हमारे पास है उससे अच्छे अंग आपके भी पास हैं, कभी कहते थे कि जिस अंग से हम बने हैं वही अंग से आप भी बने हैं। और ये पंक्ति का कहने का मतलब ये था कि कभी कहते थे कि संसार में सभी मानव एक ही अंग से बने हुए हैं और संसार में सभी मानव एक समान हैं, ये पंक्ति का कहने का अर्थ हुआ। तो इसका हम एक्सप्लेन कर देंगे, इसका भावार्थ लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक ही लाइन है तो लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन taken from the poem, taken from the poem song of myself, song of myself, song of myself composed by
कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन द पोएट सेज दैट all human beings are made of same atom all human beings are equal in this world। अब इसका देखिए हिंदी कर देते हैं, ये आपका समरी में भी हम लिखा है चीज को। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम, सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड, और सभी मानव इस संसार में एक समान हैं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम, सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन दिस वर्ल्ड, सभी मानव इस संसार में एक समान हैं। ये पंक्ति का अर्थ हुआ, ये पंक्ति का एक्सप्लेन हुआ, व्याख्या हुआ। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ सेम एटम, सभी मानव एक ही अंग के बने हुए हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स सारी इक्वल, सभी मानव एक समान हैं इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। इसको नोट कीजिए। चलिए दूसरा देखिए, एक्सप्लेन हम लोग सीखेंगे। क्रिएट्स एंड स्कूल्स इन एवियंस रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताए थे। क्रिएट्स एन स्कूल इन एवियंस रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफिस्ट एंड व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन, है ना। हम आपको बताए थे कि कवि कहते हैं
कि जाति और धर्म के लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे चीज़ को भर दिया गया है ना। इसलिए कभी कहते हैं कि मैं इससे है ना निकलना चाहता हूँ, यानी वो जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते थे कि हर एक इंसान को मानवता में विश्वास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग आज हमारे समाज में जाति को लेकर धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इसलिए कभी कहते हैं कि आज बहुत सारे लोग, आज समाज में बहुत सारे लोग हैं जो जाति और धर्म को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे चीज़ को भर दिया है ना, कि अपने जात के अनुसार चलो, अपने धर्म को मानो। इसलिए कभी कहते हैं कि मैं इससे दूर होना चाहता हूँ, मैं इससे दूर निकलने में ही इससे भलाई है। किससे? जाति और धर्म से। इसलिए कभी कहते हैं, कभी हैं जो किसी जाति और धर्म में विश्वास न करके वो मानवता में विश्वास करते हैं। ये पंक्ति का मतलब हुआ। तब यहाँ लिखेंगे these lines have been taken from the poem song of myself composed by a great poet Walt Whitman the poet does not believe in any caste or creed. He only believes, in humanity. चलिए अब हम लोग सीखेंगे। चलो ध्यान देना। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाई ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट डज नॉट बिलीव इन एनी कास्ट और क्रीड, कभी किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। ही ओनली बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं। ये पंक्ति का मतलब हुआ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट डज नॉट बिलीव इन एनी कास्ट और क्रीड, कभी किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। ही ओनली बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट डज नॉट बिलीव इन एनी कास्ट और क्रीड, कभी किसी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। ही ओनली बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, वो सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं। कभी सिर्फ मानवता में विश्वास करते हैं, और वो उसी प्रकार से हम लोगों को संदेश देना चाहते थे वॉल्ट व्हिटमैन, कि जितने भी इस धरती पर चाहे किसी भी देश के मानव हो, हम लोगों को भी सिर्फ मानवता में ही विश्वास करना चाहिए। इसको नोट कीजिए।
तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आई नाउ थर्टी सेवन ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सीज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ टिल डेथ। चलिए अब हम लोग समझेंगे। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये पंक्ति का मतलब क्या हुआ? तो कभी क्या कहते थे कि मैं 37 साल का हूँ और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं मरते दम तक नहीं रुकूंगा, यानी मैं मरते दम तक मानव का कल्याण करूँगा। इसलिए हर एक नवयुवक को वो संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी हम लोग नवयुवक हो, हम लोग को एक मानव को, एक दूसरे मानव को हमेशा सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए मरते दम तक। इसलिए इसका कहा गया है नॉट 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। कभी कहते हैं कि मैं 37 साल का हूँ और पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मरते दम तक नहीं रुकूंगा, यानी मैं मरते दम तक मानव का कल्याण करूंगा। तो हम इसका लिखेंगे These lines have been taken from the poem Song of Myself composed by a great poet Walt Whitman। ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, he is known as the people's poet, the poet says that he is 37 years old with perfect health, he says that he will welfare of man till death। ये पंक्ति का मतलब हुआ। अब हम लोग समझेंगे। कहता है these lines have been taken from the poem Song of Myself। ये पंक्तियाँ Song of Myself कविता से लिया गया है, composed by a great poet Walt Whitman, एक महान कवि Walt Whitman के द्वारा लिखा गया है। He is known as the people's poet, वह जनता के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। The poet says that, कवि कहते हैं कि he is 37 years old with perfect health, कि वह 37 साल के हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। He says
सेज दैट और वो कहते हैं ही विल वेलफेयर ऑफ मैन कि वह मानव का कल्याण करेंगे टिल डेथ मरते दम तक। ये लाइन का अर्थ हुआ, ये जो ऊपर दोनों पंक्ति है वो पंक्ति का ये एक्सप्लेन हुआ, व्याख्या हुआ, ये पंक्ति का अर्थ हुआ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, वह जनता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ही इज 37 ईयर्स ओल्ड विथ परफेक्ट हेल्थ, कि वो 37 साल के हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ही सेज दैट और वो कहते हैं ही विल वेलफेयर ऑफ मैन, वह मानव का कल्याण करेंगे टिल डेथ मरते दम तक। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, वह जनता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ही इज 37 ईयर्स ओल्ड विथ परफेक्ट हेल्थ, कि वह 37 साल के हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ही सेज दैट और वो कहते हैं ही विल वेलफेयर ऑफ मैन, वह मानव का कल्याण करेंगे टिल डेथ मरते दम तक। इसको नोट कीजिए। I harbor for good or bad, I permit, I permit to speak at every hazard. Every hazard, nature without check, with original energy. अब ये पंक्ति का मतलब क्या हुआ जो हम लोग जानेंगे। हम आपको पढ़ाए थे आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हेज और नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कभी कहते थे कि मैं अपने आप में विश्वास करता हूँ चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, और भगवान ने हमें इतनी शक्ति दिए हैं, इतनी ताकत दिए हैं कि अगर समाज में कोई गलत काम होगा तो वहाँ पर मैं अपने आवाज़ को उठाऊँगा, मानव के प्रति अगर कोई क्रूरता होगा तो वहाँ पर मैं अपने आवाज़ को उठाऊँगा, और इसी के माध्यम से है ना पूरे देश के नागरिक को, पूरे देश के मानव को वॉल्ट व्हिटमैन सलाह देते हैं कि जितने भी हम लोग मानव हैं, समय हमारे पास अच्छा हो या बुरा हो, अगर समाज में कोई गलत काम हुआ है, गलत काम हो रहा है, कोई मानव के प्रति गलत काम हो रहा है, तो वहाँ पर हमें आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दिए हैं कि हमें अपने शक्ति का प्रयोग मानव के उत्थान के लिए करना चाहिए, मानव के क्रूरता के विरुद्ध करना चाहिए। ये पंक्ति का मतलब हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समरी में इस चीज़ को पढ़ाए भी हैं। अब देखो यहाँ these lines have been taken from the poem
taken from the poem Song of Myself, Song of Myself, composed by a great poet, Walt Whitman. He is, ऐसे भी लिख सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, he raises his voice against human tyranny. टिरनी का मतलब क्रूरता, आपको मीनिंग लिखाए थे। अब देखो यहाँ कहता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज बाई ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है, है ना। ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, और वह जनता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। द पोएट बिलीव्स इन हिमसेल्फ, कवि अपने आप में यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। ही रेजेज हिज वॉइस अगेंस्ट ह्यूमन टिरनी, और वह अपने आवाज को उठाते हैं, है ना, मानव के क्रूरता के खिलाफ, मानव के अत्याचार के खिलाफ वह अपने आवाज को उठाते हैं। यह पंक्ति का अर्थ हुआ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, वह जनता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। द पोएट बिलीव्स इन हिमसेल्फ, कवि अपने आप में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। ही रेजेज हिज वॉइस, वह अपने आवाज को उठाते हैं, अगेंस्ट ह्यूमन टिरनी, मानव के क्रूरता के खिलाफ, मानव के अत्याचार के खिलाफ वह अपने आवाज को उठाते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, वह जनता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। द पोएट बिलीव्स इन हिमसेल्फ, कभी अपने आप में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। ही रेजेज हिज वॉइस अगेंस्ट ह्यूमन टिरनी, और वह अपने आवाज को उठाते हैं, मानव के क्रूरता के खिलाफ, मानव के अत्याचार के खिलाफ। इसको नोट कीजिए, I lean and loaf at my age, observing a spear of summer grass, कभी गर्मी के मौसम में घास की चुभन को अवशोषित करते हैं। यह पंक्ति का
मतलब हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, या ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट द पोएट ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ समर ग्रास इन समर। चलिए अब देखें, हम कहता है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, वह जनता के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। द पोएट ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ समर ग्रास इन समर, कभी गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु के घास को अवशोषित करते हैं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, वह जनता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। द पोएट ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ समर ग्रास इन समर, और कवि गर्मी के मौसम में है ना ग्रीष्म ऋतु के घास को अवशोषित करते हैं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही इज नोन एज द पीपुल्स पोएट, वह जनता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। द पोएट ऑब्जर्व्स द स्पीयर ऑफ समर ग्रास इन समर, कवि गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु के घास को अवशोषित करते हैं। नोट कीजिए, I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume. कभी कहते हैं कि मैं अपना गीत खुद गाता हूँ, अपना आनंद खुद मनाता हूँ, और जो मैं ग्रहण करता हूँ वो तुम भी ग्रहण करो। यानी कवि हैं जो वो अपना गीत खुद गाते हैं, अपना आनंद खुद मनाते हैं, यानी वो हमेशा लोगों को सलाह देते हैं खुश रहने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन Taken from the poem Song of Myself, composed by
एक ग्रेट भी लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं कंपोज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन, कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, वॉल्ट व्हिटमैन द पोएट, द पोएट डिस्क्राइब्स, द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पर्सनल पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल फीलिंग्स, ही वांट्स टू सेलिब्रेट, ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ हिमसेल्फ द पोएट, द पोएट लाइक्स, द पोएट लाइक्स टू हियर द कॉल ऑफ, द कॉल ऑफ हिज हार्ट एंड साउल एंड साउल, सॉल मतलब आत्मा, हार्ट मतलब दिल। अब देखें यहाँ, दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाई ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पर्सनल फीलिंग्स, कवि अपने व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करते हैं। ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, कवि अपना गीत खुद मनाना चाहते हैं, खुद गाना चाहते हैं और अपना आनंद खुद मनाना चाहते हैं। द पोएट लाइक्स टू हियर, कवि सुनना चाहते हैं, पसंद, द पोएट लाइक्स टू हियर, कवि पसंद करना चाहते हैं, टू हियर सुनने के लिए, द कॉल ऑफ हिज हार्ट एंड साउल, कवि हैं जो अपने आत्मा अपने दिल की पुकार को सुनना पसंद करते हैं। और हम लोग का दिल और आत्मा का एक ही पुकार है कि हम लोग को हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, समय अच्छा हो या बुरा हो, हर एक इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, अपने आत्मा को अपने दिल को पुकार को सुनना चाहिए। हमारा आत्मा और दिल को, दिल का यही पुकार है कि हर एक मानव को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि उदास व्यक्ति निराश व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पर्सनल फीलिंग्स, कवि अपने व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करते हैं। ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, कवि अपना गीत खुद गाना चाहते हैं और अपना आनंद खुद मनाते हैं मनाना चाहते हैं। द पोएट लाइक्स टू हियर द कॉल ऑफ हिज हार्ट एंड साउल, कवि हैं जो अपनी आत्मा अपने दिल की पुकार को सुनना पसंद करते हैं। दिज लाइन्स हैव बीन, वो क्या कहते थे कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, यानी वो किसकी पुकार को सुनते थे, अपने दिल को। और वो हम लोग को भी सलाह देते हैं कि जिस प्रकार से मैं खुश रहता हूँ और जिस प्रकार से मैंने जीवन में अच्छाई को ग्रहण किया, उसी प्रकार से प्रत्येक मानव को जीवन में खुश रहना चाहिए, अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखाया गया है द पोएट लाइक्स टू हियर द कॉल ऑफ हिज हार्ट एंड साउल, कवि हैं जो अपने आत्मा अपने दिल को पुकार को सुनना पसंद करते हैं। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पंक्तियाँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट वॉल्ट व्हिटमैन, एक महान कवि वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पर्सनल फीलिंग्स, कवि अपने व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करते हैं। ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ,
कभी अपना गीत खुद गाते हैं, अपना आनंद खुद मनाते हैं। द पोएट लाइक्स टू हियर द कॉल ऑफ हिज हार्ट एंड साउल, कभी अपने आत्मा और दिल की पुकार को सुनना पसंद करते हैं। इसको नोट कीजिए। एक्सप्लेन आपका ख़त्म हो गया। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। और कल आपको टेलीग्राम पर होमवर्क मिल गया, लोड रहेगा, अपलोड रहेगा, उसको आप लोगों को सॉल्व कर लेना है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।